الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمانی اور اسلامی زندگی کا جو ایک تصور دیا ہے وہ انسانیت کا بیش بہا اثاثہ اور قیمتی خزانہ ہے. اس سے دنیا کے اندر بھی انسانی قدریں پروان چڑھتی ہیں, انسانیت بلندی کو چھوتی ہے, اور خدا نخواستہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور ہدایات سے انسانیت روح گردانی کرتی ہے, منہ موڑ لیتی ہے اور خود ساختہ اصولوں کے اوپر چلنے کا من بنا لیتی ہے, تو پھر انسانی قدریں گرتی چلی جاتی ہیں. ایک دم نچلی سطح پر انسان اتر کر کے بھی کوئی عیب محسوس نہیں کرتا, اس کوئی شرمندگی اور عار اسے محسوس نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلام کے پیروکاروں کو, دین برحق کے ماننے والوں کو, چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ خوش گمانی اور حسن ظن, اچھا اور نیک گمان رکھنے کا حکم دیا ہے. قرآن کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کہ بدگمانی سے بچا کرو, یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی آخرت کے اندر تو بدگمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی گرفت کریں گے ہی کریں گے,
तुम्हारा जो ये इंसानी मुआशरा है और जो शीराजा बंदी है बदगुमानी पैदा होने से, ये इंतशार और इख्तलाफ का शिकार होगा। तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कुव्वत एक दूसरे के खिलाफ कानो तशनी की जुबान दराज करने से टूट जाएगी। पूरे समाज के अंदर तुम एक दूसरे के नज़दीक गैर मोतबर बन जाओगे, तुम्हारी बातों में कोई वजन नहीं रह जाएगा और तुम्हारी नेकियां जो अब तक दिलों के अंदर पैवस्त थी, बदगुमानियां पैदा करने की वजह से लोगों के दिलों से सारी अकीदत और सारी महब्बत पामाल होकर के रह जाएगी। तो खुशगुमानी और हुस्न ज़न, ये मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी मुआशरे की ऐसी मजबूत ढाल है जो अफवाहों और प्रोपेगेंडों के जोर को तोड़ करके रख देती है। अगर हम और आप एक दूसरे के बारे में खुशगुमान रहें, एक दूसरे के बारे में अच्छा ख्याल और तसव्वुर हमारे जहनों के अंदर मौजूद रहे, तो फिर क्या मजाल है पसे पर्दा अय्यार और मक्कार हमारे जो नज़रियाती दुश्मन हैं वो हमारे दरमियान इंतशार की, प्रोपेगेंडे की, अफवाहों की और फूट की बातों को फरोग देने में कामयाब हो जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता। हम इस्लामी नज़रिया के मानने वाले लोग हैं जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे सामने मौजूद हैं। एक मोमिन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ बगैर किसी तहकीक के अगर बदगुमान हो जाता है तो कुरान करीम के अंदर क्या वईद आई है, कैसी कैसी सख्त बातें कही गई हैं, उनका तसव्वुर मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों हमारे दिमाग के अंदर रहना चाहिए। आप सूरह नूर के अंदर वाकिए इफ्क पढ़ते हैं। इफ्क के माने कतई झूठ, सरासर गलत, बेबुनियाद और खिलाफ वाकिया बात, इसको बोहतान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इफ्क कहा जाता है। और अगर ये किसी के सर पर मंड दी जाए, बेबुनियाद बात इल्ज़ाम के तौर पर किसी के सर रख दी जाए तो ये बोहतान अजीम बन जाता है, जिसका सख्त गुनाह मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों होता है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसकी बहुत गिरफ्त है। उस वाकिए इफ्क के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़राए इबलाग के सही इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। प्रोपेगेंडों और अफवाहों से दूर रह करके मेरे दोस्तों हर बात आगे बढ़ाने की जो हम जसारत करते हैं उसके ऊपर कदगन लगाई गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कितनी बड़ी बात थी वो जो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्लाह इब्ने उबई के प्रोपेगेंडे में आकर के उसके रुफका ने फैलानी शुरू की और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बात ने इतना जोर पकड़ा कि साफ दिल मुसलमान भी उस प्रोपेगेंडे और उस अफवाह से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। उनके दिलों के अंदर भी खलजान पैदा होने लगा, शुकूक व शुबहात पैदा होने लगे। किसके खिलाफ? अपने पैगंबर, जिन पर हमेशा फिदवियत और जानसारी, अपने लिए ये सहाबा
तसव्वुर करते थे, उसकी शान में लोग प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर गलत इल्जाम और तोहमत बोहतान बांधा जा रहा है। मोमिन और मुसलमान भी प्रोपेगेंडे से, अफवाह से मुतासिर हो जाता है, होने लगे। अल्लाह ताला का फजल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लमस्सकुम फीमा अफस्तुम फीही अज़ाबुन अज़ीम। अगर उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला का फजल शामिल हाल ना होता और तुम्हें इस बदगुमानी के ऊपर तौबा और इनाबत की तौफीक मिन जानिबिल्लाह मयसर ना हो जाती और उसकी रहमत दुनिया के मामले में और आखिरत के मामले में तुम्हारे लिए ढाल और साइबान न बन जाती, लमस्सकुम फीमा अफस्तुम फीही अज़ाबुन अज़ीम, तो यकीनी तौर पर इस बदगुमानी के नतीजे में, इस बोहतान तराजी के इल्जाम में तुम भी पकड़ में आ जाते, तुम्हारा भी मुआखजा होता। लमस्सकुम, तुम्हारे ऊपर आफत आन पड़ती और मैदान मैसर में अजाब अजीम के तुम मुस्तहिक बन जाते। कब? इस तलक्कौनहु बिअलसिनतिकुम وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم। याद करो उस वक्त को जब एक जुबान से बात आगे बढ़ती थी और दूसरी जुबान उसे कैच करती थी और फिर उस बात को वो आगे बढ़ाने में फख्र महसूस करती थी। हमने किसी से कोई बेतहकीक बात सुनी तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें उस बात को बिला तहकीक आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं है। लेकिन तुम कर क्या रहे थे? एक जुबान से बात निकलती थी, दूसरी जुबान पर चढ़ती थी और फिर वो अपनी जुबान से उस गलत बात को, उस बोहतान को और इल्जाम को आगे बढ़ा देता था। इस तलक्कौनहु बिअलसिनतिकुम, जब तुम एक दूसरे की जुबान से बातों को ले रहे थे और फिर क्या कर रहे थे? वतकुलूना, और फिर अपने मुंह से तुम ऐसी बातें आगे बढ़ा रहे थे जिसके बारे में तुम्हारी कोई तहकीक नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, उसकी सदाकत का या उसके किस्म का तुमको कोई यकीन नहीं था, बात सच्ची है कि झूठी है, बिना तहकीक तुम उस बात को अपने मुंह से आगे बढ़ा रहे थे। याद करो उस वक्त को। وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, तुम इसे बहुत मामूली और छोटी बात समझ रहे थे। وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, हालांकि ये बात अल्लाह तबारक व तआला की नजर में बहुत बड़ी है। और अगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप गौर करें तो वाकयातन इसकी अजमत का कितना एहसास हमारे अंदर पैदा होगा। बहुत बड़ी बात होती है जिस पैगंबर की शान में बेअदबी और गुस्ताखी की बात हम सुनना गवारा नहीं करते। आज उनकी जौजे मुहतरमा तमाम मोमिनीन की माँ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु के अनहा के खिलाफ किस बयानी हो रही, इफ्तरा परदाजी हो रही है, इल्जाम और बोहतान बांधा जा रहा है। मुनाफिकीन ने उसे प्रोपेगेंडे की शक्ल दी, अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और एक जुबान पर बात चलती, दूसरी जुबान तक पहुंचती और दूसरी जुबान से तीसरी जुबान
पूरा मदीना मुनव्वरा के अंदर मेरे दोस्तों इस प्रोपेगेंडे की धमक ने एक भौंचाल पैदा कर दिया था। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कर्ब का और किस रंग का और कल भी मेरे दोस्तों कबीदा खातिरी का एहसास उस वक्त रहा होगा, हम और आप सोच सकते हैं। महीना भर तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार हैं, बेचैन हैं, मुस्तरिब हैं, लेकिन आप अलैहि सलातु वस्सलाम तो सब्र का कोहसार थे। शके भाई आपकी फितरत थी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में किसी के खिलाफ इंतकाम का जज्बा नहीं रहता था, वरना आप चाहते तो मेरे दोस्तों प्रोपेगेंडे करने वालों को सहाबे किराम की तरफ एक इशारा करते, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता, लेकिन आप अल्लाह के हुक्म के, आप अल्लाह की वही के मुंतजिर बने बैठे रहे। मुफस्सिरीन लिखते हैं, मुहक्किकीन लिखते हैं कि इल्जाम सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी लगाया गया, उनकी किरदार कुशी करने की कोशिश की गई। जब जुलेखा पकड़ी गई तो इल्जाम किसके सर मढ़ दिया? सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर लगा दिया सारा इल्जाम कि इन्होंने दस्तदराजी की, इन्होंने ये जसारत की कि अजीज मिस्र की बीवी के खिलाफ ये इस तरह की हरकत कर बैठे। इल्जाम लगा दिया जुलेखा ने। उस वक्त उनकी बराअत का इजहार करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूध पीते बच्चे की जुबान से ऐलान करवाया कि ये जुलेखा झूठ बोल रही है, कमीज इनकी देख लो आगे से फटी है कि पीछे से फटी है। अगर पीछे से फटी है तो यूं समझो कि यूसुफ भाग रहे हैं और इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उसी बुनियाद पर पीछे का दामन हाथ आया और वो फट गया है, और अगर आगे से दामन फटा है तो समझ जाओ कि ये दस्तदराजी करने के लिए इकदाम कर रहे थे और छीना झपटी के अंदर आगे का ये दामन फट गया है। इनकान कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन फसदकत वहुआ मिनल काजिबीन, इनकान कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुनिन, अगर आगे से फटा है दामन तो समझो जुलेखा सच्ची है। वह इनकान कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन फकजबत वहुआ मिनस सादिकीन, और अगर दामन पीछे से फटा है तो जबरदस्ती इन्हें एक गुनाह की गोया दावत दी गई थी और ये उस गुनाह से भागने की कोशिश कर रहे थे, और भागते भागते पकड़ने वाले ने पीछे का दामन पकड़ा और वो आगे बढ़े तो वो दामन फट गया। देखा गया तो पीछे से दामन फटा हुआ था। उनकी सदाकत और रास्तबाजी सामने आ गई और वो उस गुनाह से बरी करार दिए गए। एक शीरखार बच्चा जो बोलने की ताकत और सकत नहीं रखता है, मुअज्जजाती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नुत्क और कुव्वत गोयाई अता की और उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बरी करने का इजहार किया। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर बहतान तराजी हुई। उनके कौम के लोगों ने या उख्ता हारूना मा काना अबू की मरा सौ मा कानत उम्म की बकिया फअशारत इलैह आला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन अइनमा कुंत व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती व लम यकुन जब्बारन असिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम को औलाद अता की। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उलूक
मरियम की कोख में यह अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। बगैर बाप के ये रहम मादर के अंदर उलूक पाते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पैदाइश के वक्त कहा कि फला जगह चली जाओ। पैदाइश हुई, जब बच्चे की पैदाइश हुई तो इल्ज़ाम तराशियों का एक बाजार गर्म हो गया और हजरत मरियम को निशाना बना करके उनकी कौम के लोगों ने कहा या उख्ता हारून, ए हारून की बहन, माकाना अबू किमरा सौ, तेरे अब्बा तो बदकार आदमी नहीं थे, वमा कानत उम्म की बगिया, और ए मरियम जिस कोख से, जिस माँ की कोख से तूने जन्म लिया है वो भी कोई बदकार औरत नहीं थी, तेरा बाप भी शरीफ था, तेरी माँ भी शरीफ थी, आखिर तूने ये गलतकारी क्यों की, जिनाकारी क्यों की, बदकारी क्यों की, जिसके नतीजे में आज बगैर बाप का बच्चा तेरी कोख से जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है। तो हजरत मरियम ने क्या कहा, फअशारत इलैही, अभी शेरखारी के जमाने में चंद रोज के अभी बच्चे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी तरफ इशारा कर दिया कि मैं तो तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती, ये बच्चा इस हकीकत से तुम्हें रोशनास कराएगा। फाला इन्नी अब्दुल्लाह, उस शेरखार बच्चे ने हजरत ईसा बनना था जिसे आगे चल करके अपनी जुबान से बचपन में दो रोज चार रोज के बच्चे अभी हैं या एक ही रोज के उसी दिन इल्जाम की बात होगी, इसकी कोई तहकीक मैं यहां नहीं बयान कर रहा हूं। उस शेरखारी के जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान से बोलना शुरू किया। ये एक मुअज्जज़ाती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के जहन में पैदा होने वाले खलजान को और बदकारी के इफ्तरा और इल्जाम को जहनों से खुरच करके निकाल दिया कि इसे कुदरत इलाही का मजहर समझो। अल्लाह तबारक व तआला असबाब का मोहताज नहीं है, उसने जब चाहा तो हजरत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम को अपनी कुदरत कामिला से बरपा कर दिया, न किसी माँ की कोख में उन्हें रखा और न किसी बाप की जरूरत उन्हें पेश आने दी, अपने हाथ से अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जुस्सा तैयार किया और अपनी कुदरत कामिला से उनके अंदर रूह फूंक करके उन्हें बरपा कर दिया। जब अल्लाह को अपनी कुदरत दिखाना मंजूर होता है तो फिर असबाब के पर्दे में अल्लाह को आने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारे असबाब तो उसी ने बनाए हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इन दोनों की बराअत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शीरखार बच्चों को सामने ला करके बरी करवाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीजगी और हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीजगी को दुनिया के सामने शीरखार बच्चों के जरिए से उजागर करवा दिया। लेकिन उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बराअत का जब मामला आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना जिब्राइल अलैहि सलातु व सलाम को 10 आयतें दे करके पैगंबर आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, और वो आयतें मेरे दोस्तों रहती दुनिया तक, कयामत तक इंसानियत पढ़ती रहेगी, और अपनी जुबानों से हजरत आयशा के ऊपर लगे हुए उस इल्जाम को मेरे दोस्तों धोती रहेगी। वो बिल्कुल कतई बहतान था, झूठ
था सरासर प्रोपेगेंडा और एक अफवाह थी। अल्लाह तबारक व तआला ने वो आयतें कुरान करीम के अंदर रखी हैं, हम और आप उनको पढ़ते हैं। उससे हमें आज भी ये सबक मिलता है कि अपने इस्लामी और दीनी मुआशरे के बच्चों को, मर्दों को, औरतों को इस बात से आगाह रखो कि पसे पर्दा दुश्मन, मक्कार और नजरियाती इख्तिलाफ रखने वाले लोग तुम्हारे समाज में प्रोपेगेंडे डाल करके, अफवाहें फैला करके, झूठी बातों की तस्वीर करके तुम्हारे दिलों को एक दूसरे से तोड़ने और खट्टा करने की कोशिश करेंगे। तुम हुस्ने जन की और अच्छे गुमान की ढाल लेकर के ऐसे प्रोपेगेंडे के सामने खड़े हो जाओ तो आने वाला तूफान भी नहीं ठहर सकेगा। हर किस्म का प्रोपेगेंडे का जोर उस ढाल के सामने आकर के चकना चूर हो जाएगा। हमें दुश्मन की, मंसूबा बंदियों की, उनकी साजिशों और उनकी चालों की इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत मेरे दोस्तों आज नहीं है जितना अपने लोगों के लिए, इस्लामी समाज और मुआशरे के लिए ज़राए इब्लाग, सोशल मीडिया के इस्तेमाल की जो आज गलत तस्वीर हमारे सामने आ गई है उसको सुधारने की और इस्लामी मुआशरे को बनाने, संवारने और उसे मेरे दोस्तों सजाने की आज ज़रूरत है। हम क्यों किसी बात को बिला तहकीक आगे बढ़ाएं? ये हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। अल्लाह ताला कहते हैं यईज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्ली, खबरदार खबरदार, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नसीहत करता है कि आइंदा इस तरह के प्रोपेगेंडे कभी मत करना। इससे उम्मुल मुमिनीन के तई लोगों के दिलों के अंदर कैसे गलत तसव्वुरात बैठ गए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का, उनकी बरतरी का, उनकी खूबियों का एहसास तुम्हारे दिलों में कमजोर हुआ, ये बहुत गलत बात है। यईज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम अपने आप को मोमिन कहलाना पसंद करते हो, ईमान की नुमाइंदगी अगर करते हो, मजहब इस्लाम के पैरोकार हो तो बिला तहकीक किसी भी बात को आगे मत बढ़ाओ चाहे वो सदाकत ही पर क्यों न मबनी हो। सच्ची बात भी अपने भाई के पीठ पीछे जो उसे अगर उसके मुंह पर कही जाए बुरी लगे तो इसको क्या कहा जाता है? गीबत कहा जाता है। सच्ची बात भी, और अगर खुदा न खास्ता खिलाफे वाकिया गलत बात उसके पीठ पीछे हम और आप कर रहे हैं तब तो ये बहतान अजीम है। इससे इस्लामी मुआशरे के अंदर टूट फूट पैदा होगी और कल कयामत के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला इसकी गिरफ्त फरमाएंगे। इसलिए सोशल मीडिया पर मेरे दोस्तों हमारा नौजवान हर गलत सलत बात को जो आज आगे बढ़ाता है हमें बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। खास तौर पर हमारे उलमा के बारे में, हमारे अकाबिर के बारे में, इस्लामी समाज के किसी भी फर्द के बारे में अगर कोई गलत बात फैल रही है तो हम उसको रोकने की कोशिश करें, उसको मजीद फैलाने का जरिया न बने। ये हमारे ही मजहब इस्लाम के दामन पर बदनुमा दाग लगाना हमारे हाथों से हो जाएगा और फिर इस्लामी मुआशरे के अंदर जो एक दूसरे का एतिकाद है, एतबार है, जो इज्जत और एहतराम है, वो इज्जत और एहतराम मेरे दोस्तों हम आपस में खो बैठेंगे और हमारा शिराजा मुंतशिर होकर के रह जाएगा। हमें अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करना है। इत्तेहाद मेरे दोस्तों ये बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर मुत्तहिद होकर के हम किसी उन्वान पर खड़े हो जाएं
और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके, शाना बशाना, कदम बकदम होकर के अगर किसी काम को लेकर के चलेंगे, तो जैसे छप्पर बहुत वजनी होता था, हम देखते थे कि गांव के नौजवान और बच्चे आते थे, अपने कंधों पर उठा करके उसे तान दिया करते थे। दो चार आदमी के बस की ये बात नहीं होती। आ रहा है इलेक्शन, उस इलेक्शन के अंदर हमें अपने लोगों के खिलाफ, मेरे दोस्तों, हर्रा सराई नहीं, बोतान तराजी नहीं, बदगुमानी नहीं पैदा करना है, बल्कि मुत्तहिद होकर के हम जिसे मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए दुरुस्त और कार आमद मुफीद समझते हैं, इंशा अल्लाह 100% वोटिंग करके उसे हम कुर्सी और इख्तदार तक, मनसब तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। और इस सिलसिले में हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग, दीनी तहरीकें और तंजीमें जो रुख हमें देंगी, इंशा अल्लाह हम उसके ऊपर चल करके अपने वोट का, अपने हक का जायज इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। जैसे लोकसभा के इलेक्शन में हमने इत्तेहाद का सबूत दिया और 100% वोटिंग के लिए हमने तस्हीर की, ज़राए अबलाग का दुरुस्त इस्तेमाल किया, इसी तरह से असेंबली के इलेक्शन में भी हमें बेदारी मुहिम चलानी है। और हमारा कोई ऐसा फर्द जो वोट देने का हक रहता है, इस हक से महरूम न रहने पाए, इसके लिए हमें जद्दोजहद करनी है। मुल्क को फिरका परस्ती से बचाना है और मिल्लत इस्लामिया को सुकून और आसाइश के साथ अपने मजहब पर अमल करने के लिए राहें हमवार करने की कोशिश और जद्दोजहद करना है। तो हमें गलत प्रोपेगेंडों से, अफवाहों से बच करके सही तस्वीर जो है उसे दुनिया के सामने पेश करनी है। अल्लाह हम सबको मजहब इस्लाम की सच्ची नुमाइंदगी की तौफीक अता फरमाए और ईमानी जज्बे से सरशार रह करके दीन की दावत और दीन की तबलीग का काम करने की मुसलसल तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।